आज मेरे पास जो मेहमान आई बैठी है, इसको देखकर आप लोग भी अश अश कर उठेंगे। आखिर है ही इतनी प्यारी, कैसी हो मेरी जान सदफ, हाउ आर यू? थैंक यू, बिल्कुल ठीक। लोग कहते हैं कि अल्लाह जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। Is that true, you think? I think मैं जब बड़ी हो रही थी, छोटी थी, तब मैं इतनी प्यारी नहीं थी, बड़ी कोई ऑर्डिनरी सी शक्ल थी मेरी। फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो किया अपने आप को, आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हो चीज़ें, इंस्टाग्राम आने लग गया, फिर वहाँ से सोशल मीडिया, वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता देखा, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग कराई, दान वन सी कराए, ठीक हो गई, प्यारी हो गई। सो यस, सबसे पहले तुम्हें यह एहसास किसने दिलाया? नबीला, एक दिन हम लक्स पे थे और मैं उसको स्ट्रगल ही कर रही थी, तो उसने कहा ये लड़की कौन है, खूब ताबिश को कहा, वो उनके साथ काम करती है, ये लड़की कौन है? देखिए तो पुरानी है, 3 साल हो गए इसको, तो आपने शूट पे लिया था इसको, इसकी शक्ल कैसे चेंज हो गई है, डिफरेंट हो गई है, ग्रूम हो गई। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे कहा कि तुम कुछ बन सकती हो, कुछ करो, यू नो, अपने साथ चेंज करो अपने आप को। भाई जनरल परसेप्शन ये है कि जो मॉडल्स होते हैं वो दुनिया की डमेस्ट मखलूक है। अच्छा, इज दैट ट्रू यू थिंक? समटाइम्स आई थिंक लड़कियां बहुत शाय होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं वो चुप रह के वो सिर्फ वॉक करती रहती हैं, तो वो चुप रहती हैं, तो वो जब बोलती हैं तो वो बुरा बोलती हैं अपेरेंटली। तो बहुत अच्छी ऐसी मॉडल्स हैं, आमना हक थी, विनी थी जो जिन्होंने एक्टिंग भी की है, ईमान अली थी, तो आई थिंक हाँ, और मैं भी कर रही हूँ, सो बोलना आना चाहिए। Who was your inspiration? I mean, how did fashion industry happen to you? It's a long story, लेकिन I'm all ears, darling, and I have all the time in the world. Okay. Tell me all about it. So मैं इट्स ए सलोन गई, सो वहाँ पे मैंने कहा मैं ज़रा जॉब ढूंढने जाती हूँ, ठीक है, तो मैं थक गई थी, मैं पढ़ाई करके मैंने कहा मैं जॉब ढूंढने जाती हूँ। मैं सैप्स गई तो सैप्स वहाँ पे ऑडिशन हो रहे थे, एक कॉन्टेस्ट था, तो मैं इंटर हुई तो मुझे सबा ने कहा, वहाँ पे क्यों ऑनर है, तो उन्होंने कहा तो मॉडल हो, ऐसे बोलने का मौका ही नहीं दिया, हाँ तो मॉडलिंग करोगी, फ्रिया बैठी हुई ऑडिशन हो रहे हैं। मैंने कहा हाँ, मैं चली गई बात बात की, फिर उनके ऑफिस गई, फिर आहिस्ता 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 फिर उन्होंने लेना स्टार्ट किया शो पे, फिर ऐसे। बट नाउ यू कमिंग इनटू ड्रामास, एक्टिंग की तरफ भी आ रही है। आई थिंक ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोजर है मुझे अपने आप को दिखाना, मैं एक्टिंग भी दिखा सकती हूँ, मैं थक गई हूँ मॉडलिंग से, कपड़े पहन पहन के, यू नो, मुझे शौक है एक्सप्रेस करना। लेकिन बहुत कम कम काम कर रही हो। हाँ, कुछ अच्छा होता है तो कर लेती हूँ। आप बड़ा करो वो छोटा हो, तो मैं लीड पे काम करूँ वो छोटा ड्रामा हो चले ना, तो उसमें मेरी प्रॉब्लम है। बड़ा ड्रामा होगा उसमें मेरे कैरेक्टर थोड़ा सा होगा, लोग देख लेंगे किसी अच्छे एक्टर के साथ, तो आई थिंक मैं प्रेफर करती हूँ ऐसे आना। यू वर बोर्न इन बालाकोट, या सच अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज रियली, है ना, एंड यू वर वेरी स्मॉल व्हेन यू मूव्ड टू कराची, या पेरेंट्स का कैसा एटीट्यूड था? बीइंग अ गर्ल, हमारे यहाँ लड़कियों के ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, बहुत ज्यादा था प्रॉब्लम। अब्बू ने तो बात ही नहीं की मुझसे 2 साल तक, अम्मी भाई ने कुछ सालों तक नहीं बात की, भाई और अब्बू। अम्मी ने कहा कर लो अगर शौक है तो, पप्पी को देख, मैं पप्पी करती थी तो आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, इसे कुछ छोड़ दिया उन्होंने, प्रॉब्लम्स तो हुई हैं लेकिन हो गया, अच्छा हुआ। अच्छा, फैशन इंडस्ट्री बड़ी कट थ्रोट इंडस्ट्री है और लोग बड़े विशस हैं, मुंह पर बहुत मीठे होते हैं और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराइयां करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आई थिंक हर जगह पे, घर में आप खानदान के साथ बैठे होते हो तो एक खाला उठ के जाती है तो कहती देखो इसने क्या किया। किन लोगों ने तुम्हारी मदद की और किन लोगों ने तुम्हारी जड़ें काटने की कोशिश की? जड़ें तो ज़्यादा किसी ने नहीं काटी हैं। आप कहते हैं ना आपकी नीयत साफ हो, आप अपने काम से काम रखो, आई डोंट थिंक सो आपकी जड़ें क्यों काटें। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो बड़े मतलबी हैं, हर कोई अपने मतलब का यार है। हाँ, या मुखलिस लोग भी हैं, मतलबी ज़्यादा हैं जिनको काम होता है। आई थिंक यही, अगर आप मुझसे कुछ कह रहे हो तो आपको भी कुछ चाहिए, यू नो, ये गिव एंड टेक तो चलता है। Tell me who are your friends, your real friends? मेरी फैमिली। In the industry, not a single friend? दोस्त ऐसे बहुत हैं, बेस्ट फ्रेंड्स बहुत हैं, लेकिन ऐसे दोस्त आपके सिर्फ प्यार जो आपसे करते हैं ना, जो आपके पीछे बुराइयां नहीं करते, जो आपके पीछे अच्छे हैं, वो आपके सिर्फ फैमिली है। लड़ो मरो वो आपके घर में आपको केटर करते हैं किसी भी हाल में। Who is your inspiration in acting? पप्पो बहुत अपनी इंस्पायर करती हैं, अक्सर मैं उनको पुरानी फिल्में देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे करना चाहिए, या इन जैसी मैं बनना चाहती हूँ, ऐसी मैं लगूँ, यू नो, ऐसा करूँगी तो ऐसे बन जाऊँगी, सो तो होता रहता है।
अच्छा, आजकल जो लड़कियां फिल्मों में जिनको हम देख रहे हैं, जैसे महविश हो गई, माहिरा हो गई, माया है, सज्जल है, सुहाए है, यू नो आई थिंक वी हैव सम वेरी टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल गर्ल्स. हु इज योर पर्सनल फेवरेट? किसके काम से मुतासिर? मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग में मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ. सज्जल, आई लव हर एक्टिंग. और उसको ड्रामे करने चाहिए तो ड्रामे बहुत अच्छी लगती है, वो छोटी सी ना, प्यारी सी. ये बताओ कि वो कौन से ख्वाब हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए? एक्ट्रेस बनने का ख्वाब. हाँ, मुझे एक्ट्रेस बनना है. यू नो दोस्तों, मुझे मेरे उससे ख्वाब पूरा होगा. मुझे बेस्ट मॉडल का अवार्ड मिले, 3-4 अवार्ड मिले. मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड चाहिए. तो इसलिए But sweetheart, you've come just to the right place. You know, I have a lot of contacts. That is the name of the game. Con them with tact. ये बताओ that who are the actors, heroes, जिनके साथ आप काम करना चाहेंगी, जिनके साथ आप स्क्रीन स्पेस शेयर करना चाहेंगी, जिनकी बाहों में आप नाचना चाहेंगी, झूमना चाहेंगी? आई थिंक मैं भी काम कर रही हूँ उनके साथ, हमजा के साथ. हमजा, वेल जानी, आई टेल यू व्हाट, मुझे भी हमजा बहुत पसंद था, बहुत ही ज्यादा था. क्यों? फिर रेहान ने उसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब इल्जामात लगा दिए और मुझे ना हमजा पे शक सा होने लगा. और जिस चीज पे मुझे शक आ जाए, जिस चीज में भी शक आ जाए, मैं उसको छोड़ दिया करती हूँ. नहीं, उन पे यकीन ना करें ना. हमजा अच्छा. तुम्हें यकीन है कि वो अच्छा है? नहीं, मेरे साथ तो बहुत अच्छे हैं. सो ड्रामा किया मैंने उनके साथ, तो ही वाज वेरी गुड. बट मुझे उनके साथ काम करने का, यू नो, आगे अच्छा लगेगा, चाहती हूँ मैं. चलिए, हमजा तो हो गए, व्हाट अबाउट द रेस्ट? हमारे पास लड़कों की बिल्कुल कोई कमी नहीं है. यू नो, आई थिंक लिविंग इन पाकिस्तान, वी आर क्वाइट ब्लेस्ड टू हैव सम वेरी गुड लुकिंग मेन अराउंड अस. आई थिंक फवाद खान इज सुपर हॉट. व्हाट डू यू थिंक? आई नो, या फवाद खान. मुझे ऐसा लगता है कि नए लड़के अच्छे हैं, नए वो तो अच्छे ही हैं, बट नए लड़कों को चांस देना चाहिए. तो फवाद, बिलाल, बिलाल अब्बास एक है, बिलाल अब्बास बिल्कुल, ही इज डूइंग वेरी वेल. आहद रजमी, ही इज वेरी गुड. एंड शहरयार मुनव्वर, यस, वेरी क्यूट, यस. सो वो हुमायूं भाई और ये हुमायूं भाई, हुमायूं और फाहद मुस्तफा. नहीं, तुम हुमायूं को भाई कह सकती हो, बल्कि मैं तुम्हें मशवरा दूंगी कि तुम हुमायूं को हमेशा हुमायूं भाई कहना. ठीक है, डन. मैंने कहा भी, उन्होंने कहा भाई. हुमायूं को तो खैर पसंद नहीं आएगा, लेकिन उसकी बीवी को बहुत अच्छा लगेगा. शी लव यू फॉर इट. तालीम कराची से हासिल की? मैंने कराची से हासिल की. व्हाट डिड यू स्टडी डार्लिंग? बीकॉम किया, फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि काम स्टार्ट कर दिया था मॉडलिंग में, एंड वो रह गया थोड़ा सा. होता है मुझे थोड़ा सा कि यार कर लेती, और फिर वो इतनी हुई ना, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, तो आप नहीं कर सकते वो कंटिन्यू. लड़की के लिए तालीम कितनी अहम है तुम्हारी नज़र? बहुत ज़रूरी है. पहले आप मुझे होता है ना, गिल्ट होता है कि मैंने तालीम पहले मैं करती हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आती. बट वो लिखा हुआ यही था कि मैं पहले आ जाऊँ. सो आई थिंक तालीम बहुत ज़रूरी है. अब तो मैं कहती हूँ, मेरे यू नो खानदान में बच्चे होते हैं, तो पहले पढ़ो, फिर जो करना है वो करो, वो ज़्यादा अच्छा है. But you know, with education comes awareness, and with education comes empowerment. And I think हमारी लड़कियाँ वक्त के साथ साथ बहुत हद तक उनके अंदर अवेयरनेस भी आई है, कॉन्फिडेंस भी आया है, अब आया है, और एम्पावरमेंट भी हुई है लड़कियों की. और उसके बाद ऑफ कोर्स द मी टू हैशटैग कैंपेन, वी मस्ट नॉट फॉरगेट अबाउट इट. यू नो, मैं तो शॉक में चली गई व्हेन आई हर्ड मीशा शफीज एलिगेशंस अगेंस्ट अली जफर, बिकॉज लुकिंग एट अली जफर, हु वुड हैव थॉट कि अली के अंदर इतने मासूम चेहरे के पीछे इतना भयंकर एक हैवान छुपा है. तुमने भी शायद इस मामले पर कुछ ट्वीट किया था, मुझे याद है. ट्वीट नहीं किया था मैंने, एक शो पे कहा था. आई थिंक मेरी फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू नहीं है, मैं हज़ारे की हूँ, तो मेरा वो समझाने का जो एक प्रोसेस है वो गलत हो जाता है अक्सर. मैं समझा कुछ रही होती हूँ, कुछ हो जाता है. मैंने यही कहा था कि मेरे कहने का मकसद, मुझे किसी दोनों से मसला नहीं है, कि जब आप मेरे साथ अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं, अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो, फर्ज तो आप कह दो, यू नो, आप उसी वक्त कह दो. मेरे कहने का मकसद, लोगों को बहुत हर्ट किया कि नहीं बोलना चाहिए था आपने, आपने ये किया, आपने वो किया. देखो कि फाइन, मेरी गलती थी, मैंने वो बात वहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी मुझे शायद, बट सो सॉरी अगर लोगों को बुरा लगा इस बात का.
लेकिन मेरे कहने का मकसद कुछ और था, ये बात समझें आप लोग। A strong girl like yourself, you shouldn't care at all. ये मेरा मशवरा भी है कि बिल्कुल परवाह ना किया करो कि लोग क्या कहते हैं या लोग क्या सोचते हैं। मैंने ये कपड़े पहने हुए ना, तो अगर मैंने इंस्टा पे लगा दिया तो पता नहीं क्या क्या है, वो गालियां देंगे, वो तो पता नहीं क्या क्या करेंगे। क्यों आप करते हो? तो ये जो एटीट्यूड है गलत है, बहुत गलत है। ये जो जजमेंटल एटीट्यूड है और खास तौर पे लड़की के लिए बहुत गलत मुतालिक उसके ऊपर किसी किस्म की भी बातें बनाने वाला, हाउ हर्टफुल इज इट। आप घर पे बैठे हुए आप उसको गाली दे देते हो किसी लड़की को, आपको क्या पता वो अकेले बैठ के डिप्रेशन में हो। अभी इतने सारे इंसिडेंट हुए हैं, आपने देखा है, लड़कियों ने अपनी जान दे दी है, कोई कूद गया, कोई लड़कियां थी मॉडल्स भी थी कुछ, उनको पता नहीं क्या क्या कहते थे सोशल मीडिया पे। कुछ लड़कियां स्ट्रांग नहीं होती हैं, वो नहीं कह पाती, वो नहीं कर पाती, उनकी फैमिली वो बहुत सेंसिटिव होती हैं लड़कियां। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे आप कुछ भी बोल दो मैं बोलूँगी चलो कोई बात नहीं कह दो, मेरा अल्लाह देख लेगा, वो उन पर छोड़ दिया मैंने। बस लड़कियाँ अपने आप को मार देती हैं। तो यार ये जो सोशल मीडिया, ये अच्छा भी है और बुरा भी एक लिहाज से, मुझे जैसे लगता है कि लोगों की जान भी जा रही है, लोग भी सीख भी रहे हैं। अच्छा जानी चल भी, आर यू फॉन्ड ऑफ कुकिंग? खाने बनाने का शौक है तुम्हें? हाँ शौक तो है, लेकिन टाइम भी नहीं मिलता, अक्सर बना लेती हूँ। एक ही चीज आती है मुझे, स्पेगेटी, वो बनाती हूँ घर में, बहुत खुश होती हूँ। और खाती क्या हो शौक से? सब, बहुत फूडी। मैं भी सब खाती हूँ, बहुत सब, मतलब सब नहीं मैं सबको खा जाती हूँ, किसी को नहीं छोड़ती जानी, किसी को नहीं छोड़ती। अच्छा, another trend that I've noticed in the fashion industry, every second girl you know is going to Tasneem Na Khuda or Harun Nabi or this surgeon or that. How do you know Harun Nabi and Tasneem Na Khuda? I know everything, darling. Who is your doctor? Mine is Tasneem Na, both Tasneem and Harun. अच्छा बहुत, oh my gosh, look at जब मैं लाहौर जाती तो मैं लाहौर चली जाती, जब मैं कराची होती तो मैं कराची में होती हूँ। You know, थोड़ी सी आपको लेजर कराना होता है, थोड़ा ही कराना होता है, ज्यादा भी कराना, थोड़ा ही कराना, ज्यादा कराऊंगी तो लोग लेंगे नहीं मुझे। और क्या क्या कराना होता है? कुछ बस यही लेजर कराना होता है, डर गई ना, लेजर कराना होता है। आई थिंक लेजर आप कराते, बहुत लड़कियां बहुत सारी चीजें कराती हैं। व्हाट इज द मोस्ट हर्टफुल थिंग समबडी हैज एवर सेड अबाउट यू और टू यू? इट्स कि आई एम फेक, कहीं से भी नहीं हूँ मैं फेक, मैं जो हूँ वो हूँ, यू नो, मैं, मुझे आप कुछ बोलो मैं आपको जवाब दूंगी। बट फेक, कुछ लोग कहते हैं मैं फेक हूँ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छे से बात करो, प्यार दो, मैं प्यार दूंगी। Who do you think is actually fake? सब होते हैं फेक, तो कभी कभी मुझे भी होना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं बता सकती। ये जो बड़ी स्क्रीन होती है ना, इसका भी बड़ा नशा होता है वैसे। मुझे जैसा लगता है कि बड़ी स्क्रीन पे आप तब आओ जब आपका डायरेक्टर अच्छा हो, आपको आती हो एक्टिंग, आपको मजा आता है देखने में। जैसे इंडिया में लोग, हम उनको फॉलो करते हैं क्योंकि हमारे करीब में वो, तो हम उनको देखते हैं, हम बहुत खुश होते हैं कि हर कोई, हमें फिल्म में आना है। फिल्म में आना इतना आसान नहीं होता, आपको सीखना पड़ता है। वो सीखना क्या है? आई थिंक ड्रामे, हमारे आप ड्रामे कर लो आप सीख जाते हो सब। सो मुझे सर तक लड़कियों को ड्रामे करना चाहिए, सीखना है। और हर फेस टी वी के लिए, बड़ी स्क्रीन के लिए नहीं होता। जैसे हमारी सज्जल है, वो अगर ड्रामा करेगी वो बहुत अच्छी लगेगी, वो फिल्म करेगी ना वो बेबी लगेगी। उसने फिल्म की अभी बॉलीवुड में जो की थी मॉम, उसमें उससे क्या एक्टिंग की, उसका कैरेक्टर बहुत अच्छा था। I thought she had, yes, she carried, मैं अपने हर इंटरव्यू में उसकी तारीफ करती हूं। So well. बहुत अच्छा। तो वो उस कैरेक्टर के लिए वो कैरेक्टर आर्टिस्ट है। ये जो फिल्में आई पिछले चंद सालों में, जिसको आप न्यू वेव पाकिस्तानी सिनेमा कहते हैं, उनमें कितनी फिल्में देखी तुम? मैंने मुझे दो डायरेक्टर की फिल्म बहुत अच्छी लगती है हमेशा, हरीफ पे, एक नदीम भाई की, नदीम बे की, और एक नबील कुरैशी। इनकी फिल्म में मसाला होता है, मज़ा आता है, यू नो, आपका टाइम पास होता है, आपको आपको सीखने को कुछ मिलता है। मैंने लिखा भी था, मेरी पिछली ईद बहुत बुरी गुजरी, उसमें फिल्म उनकी किसी दोनों की नहीं आई थी, और मैंने तीन फिल्में कुछ ऐसी देखी, और मैंने वो स्टेटस लिखा कि मेरे तीन दिन बर्बाद हुए, मतलब यू नो, आप क्या दो ही डायरेक्टर रह गए फिल्में बनाने के लिए, बाकी और नहीं है? तो कुछ लोग बहुत पिस्ड भी हुए कि दो डायरेक्टर कौन है, यू नो, आप ऐसे नहीं कह सकते। तो मुझे जो अच्छा लगता है मैंने वो बोला। So when do we see you in a film again? Soon, मुझे कोई कैरेक्टर ऑफर होगा अच्छा तो जरूर करूंगी, ख्वाहिश तो है। किस किस्म का कैरेक्टर करना चाहोगी? What kind of films do you personally enjoy watching? कॉमेडी पसंद है, रोमांस पसंद है, ट्रेजेडी पसंद है, I think ड्रामा पसंद है। बन जाए तो कोई भी बन जाए तो कर लेंगे। अब ये पसंद इतनी बड़ी इंडस्ट्री है नहीं कि वो, यू नो, आपके आपके ऊपर रख के फिल्म बना रहे हैं।
कि नहीं, आप बेगम जी के ऊपर रखी फिल्म बना। मेरे पर तो बहुत सारी फिल्में बनी। आप तो खुद फिल्म है। मैं तो खुद चलती फिरती मेरी जान फिल्म हूँ। लेकिन डांस, आर यू कंफर्टेबल विद डांसिंग? आर यू अ गुड डांसर? हाँ, मैंने एक गाना भी किया था नामालूम अफराद का, सो इट्स आइटम नंबर, तो आई लाइक इट। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस बाय द वे डूइंग एन आइटम नंबर? सो गुड, सो अमेजिंग, बहुत सीखा मैंने उसमें। तो उसके बाद लोगों ने बहुत गालियां पड़ी, बहुत गालियां, बहुत गालियां। एंड यू टुक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यू डिड नॉट लेट इट गेट अफेक्ट यू। हु इज योर फेवरेट डिजाइनर इन कराची? आई थिंक ज़हीर अब्बास, उमर सईद, नोमी अंसारी, लाहौर में एच एस फाय, बहुत सारे हैं, बट ये मेरे बहुत फेवरेट है। And what about hair and makeup? Who's your Nabila, favorite go-to place? All time favorite, Nabila. कुछ भी हो ना, कहीं भी जा रही हो, Nabila चले जाओ बस, आप तैयार होके निकलते हो। Well, they say a girl has to kiss many frogs before finding her prince. कई डड्डुओं को मुंह लगाना पड़ता है। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे कोई डड्डू टाइप आए जिंदगी में? हाँ आते हैं, बट वो भी चले भी जाते हैं जल्दी, तो आए और चले गए। वो सीखना होता है उनसे, पता है। चिपकू किस्म के होते हैं और बड़े ढीठ होते हैं, जितनी मर्जी बेइज्जतियां कर लो उनको बिल्कुल शर्म नहीं आती, है ना? ऐसा कोई मिला ऑब्सेसिव किस्म का लीचड़ जो पीछे पड़ गया हाथों? हाँ पड़े, लेकिन मैं थोड़ा सा रखती थी उनको, जरा दूर रहो, मैं हूँ सिर्फ बंदा टाइप की, मैं लड़की नहीं हूँ, मुझे नजाकत में ऐसे नहीं बैठ सकती, यू नो, ऐसे नहीं बैठ सकती मुझे, ऐसे अभी भी ऐसे बैठी हुई हूँ लड़कियों की तरह, तो मुझे होता है कि दूर रहो यार, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, जाओ अपना काम करो। सो कर लेती हूँ, मुझे आता है हैंडल करना। जो बहुत सारे यंगस्टर्स हैं उनको नशे की लत लग गई है, सिगरेट पीते हैं लड़कियाँ ज़्यादातर, और नशे मुझे नहीं पता करते नहीं करते, बट सिगरेट मैंने देखा आम, हमारे तो मीडिया में पीते हैं, लेकिन ठीक है। खैर हमारे मीडिया में तो बेचारी लड़की सिगरेट पीती है तो उसको भी तो क्या हुआ बना देते हैं। आपको पता है जो बोलते हैं उनके घर में कितनी पीती होंगी, उनको खुद नहीं पता होगा, इतनी पीती हैं लड़कियाँ, जो आम लड़कियाँ हैं। हम तो मीडिया में, मैं तो पीती थी, अब छोड़ दिए, लेकिन 6-7 महीने हुए, लेकिन जो आम लड़कियाँ मैं देखती हूँ ना रेस्टोरेंट में बैठी होती हैं, वो पी रही होती हैं, यू नो, दुपट्टे होते हैं उनके और वो पी रही होती हैं। बट आप किसी को ना बोलें आप कि आप ये सिगरेट पीती है, उसकी मर्जी है वो जो करे, वो आपकी बहन नहीं है ना आपकी बेटी है, उसकी अपनी लाइफ है, वो अपनी, आप उसके इंस्टाग्राम के आ गया है, आप लोगों ने लोगों की धज्जियाँ उड़ा दी हैं यार, कम करें प्लीज। हाँ आई थिंक कम करना चाहिए। कभी किसी की धुलाई की अपने हाथों से? नहीं, मैं मुंह से धुलाई कर देती हूँ। अच्छा मुंह से कर देती हूँ। हाँ, मुझे हाथ चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, अच्छा बचानी, यू नो आई हैव अ थिंग फॉर पाकिस्तान्स रीजनल लैंग्वेजेस। मुझे तो, मैं समझती हूँ हमारे मुल्क की ज़बानें इतनी मीठी हैं, पंजाबी हो, सिंधी हो, सराइकी हो, पश्तो हो, आपकी हिंद को हो, सारी ज़बानें बहुत खूबसूरत हैं, और मैं चाहती हूँ कि मेरे कानों में कोई रस घोले, मुझसे हिंद को में बातें करो। अच्छा तुड़े की हाल है? तुड़े के हाल है, के कर दी तू आज, बहुत प्यारी लग दी तू। थैंक यू। आज मुझ प्यारी लग दी तू। मुझ प्यारी। आई होप आई मुझ इज नॉट शोइंग डार्लिंग। मुझ मतलब कि बहुत ज्यादा। लाइक मच, वेरी क्लोज टू, आई थिंक दैट मस्ट बी द इंग्लिश ब्रिटिश इन्फ्लुएंस रियली। फ्रेंच। हाउ ऑफ्टन डू यू गो अप टू द टू बालाकोट और टू मानसेरा और टू? बिकॉज़ काम यहां पे बहुत होता है तो बहुत कम जाना होता है, बट बहुत प्यारा है वहां पे, लोग बहुत प्यारे, मीठे, सादे, उनको कुछ भी बोल दो सुन लेते हैं, लड़ाई करो तो मारना शुरू कर देते हैं, यू नो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अच्छे लोग हैं वहाँ पे, मीठे। खैर मीठे तो यहाँ पे भी बहुत है, और जिस इंडस्ट्री से तुम्हारा ताल्लुक है मेरी जान, वो तो भरा पड़ा है मीठे ही लोगों से, है ना? Who do you think is the sweetest person in the industry? सबसे मीठा कौन है? स्वीटेस्ट सभी हैं। एक बहुत अच्छा नाम है लेकिन बोलूंगी नहीं। हाय जानी, ये तुम देखो ना, दिस टाइम आई वोंट लेट यू गो। मुझे अपने, मुझे किसी और के नाम पत्ते नहीं लगवाने, मुझे अपने आगे कम लगे होते मेरे पीछे। बहुत सारे लोग हैं लेकिन हाँ। आई टेल यू डार्लिंग, मैं तो इस फोन से तंग आ गई हूँ, इंसान की कोई प्राइवेसी ही नहीं रही, यू नो, वन फील्स सो एक्सेसिबल ऑल द टाइम, जिसका जब दिल चाहे आपको मैसेज कर सकता है, फोन कर सकता है, एंड यू नो आई हैव दिस फ्रेंड, शी इज ऑब्सेस्ड विद द पीपल हु कम टू माय प्लेस, तो वो मुझे सवाल लेके भेजती रहती है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो उसके सवाल पूछ लूँ? है ना, उसकी कुछ कंफ्यूजन है बेचारी की। इनमें से कौन सा डिजाइनर बेस्ट है? यू हैव टू, आई एम गोइंग टू टेक 5 नेम्स इन फ्रंट ऑफ यू, सो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, योर प्रेफरेंस में उनको रेट करना है। सो देयर इज फराज मन्नान,
देयर इज ज़ारा शाहजहान, देयर इज दीपक परवानी, देयर इज इलान एंड देयर इज उमर सईद. ओके, उमर सईद नंबर वन. या ज़ारा शाहजहान नंबर टू. फराज मनान नंबर थ्री. इलान नंबर फोर. एंड दीपक को आपने sorry Chani, but I had nothing to do with her response. Okay, let's come towards the photographers. And I understand ke fashion ke andar photographer ka bahut major kaam hota hai. So there is Akif Ilyas, Nadir Feroz, Ashna, Abdullah Haris, and Umair Bin Nisar. Nadir, Akif, Umair Bin Nisar, Yasir, आशना. जो भी मेरे तीन फेवरेट तो नादिर हैं, आकिफ और आशना और बेन. तीन चार बहुत अच्छे. मैं कुछ लोगों के नाम लूंगी और मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं, यू टेल मी दैट व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट देम, कि उनकी कौन सी ऐसी आदत या ट्रेट है जो जिसको आप चाहेंगी कि वो उसको बदल लें. सो वील स्टार्ट विद सज्जल अली. आई थिंक उसको बाल लंबे करने चाहिए अपने. ओके, मावरा. मैं जानती नहीं हूँ तो बता नहीं सकती हूँ. But you must have seen her on screen. कुछ और नाम ले लें. माहिरा खान. उनको तो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए, मुझे वो बहुत पसंद है. महविश हयात. पतली हो जाना चाहिए थोड़ा सा, थोड़ी सी भर गई है तो पतली हो जाए. माया अली. माया अली भी ठीक है, थोड़ी बहुत पतली हो गई है तो थोड़ा सा वेट गेन कर ले. आई थिंक हम सिर्फ खवातीन की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट मेन आल्सो. व्हाट वुड यू लाइक हुमायूं से टू चेंज? नथिंग. हमजा अली अब्बासी. पतला हो जाए वो. फहद मुस्तफा. नथिंग. नथिंग? यू थिंक ही इज परफेक्ट? हां, ही इज नाइस, ही इज परफेक्ट. इमरान अब्बास. मेकअप कम लगाना चाहिए उन्हें. मेकअप कम लगाना चाहिए. फवाद खान. फवाद खान बहुत प्यारे हैं, उनको तो कुछ भी नहीं करना चाहिए. बिलाल अशरफ. बहुत स्टिफ है, थोड़ा सा कूल हो जाए. शहरयार मुनव्वर सिद्दीकी. बहुत प्यारा है, थोड़ा सा Say the word, you mean बड़ा हो जाए, you know? बच्चा है, I'm sure वक्त के साथ साथ बड़ा भी हो जाएगा. खैर मेरे पास आएगा तो मैं ऐसा हाथ फेरूंगी. अच्छा खैर इन बातों को छोड़ो. आई लव योर आंसर्स एंड फ्रैंकली यू नो मेरे घर जो भी आता है मैं उसको खाली हाथ ही जाने देती फॉर देम टू रिमेंबर मी. एंड आई ब्रॉट यू अ लिटिल गिफ्ट हैम्पर. नाइस. आई होप कि तुम्हें चॉकलेट्स पसंद होंगी. पसंद नहीं है बट मैं खा लेती हूँ कभी कभी. थैंक यू.